जालिमों, मोदी आ गया है, मोदी छा गया है और मोदी ने अब ये भी करके दिखा दिया है। भारत मतलब चाह क्या रहा है? इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। सुनने में आ रहा है कि बड़ी डील्स हो रही है नरेंद्र। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्रो भी उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। क्वेश्चन ये है कि अगर भारत मॉरिशस में काम अच्छा करता रहेगा तो वो उधर डिलीवर करता रहेगा। तो जो जो कुछ हो रहा है वो उससे तो हमें ये पता चलता है कि जो चाइना है उसको फिक्रमंदी की जरूरत है। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला कर। तो देखिए जो दुनिया के अब बड़े से बड़ा लीडर है वो इंडिया के किसी इवेंट पर आना अपने लिए ऑनर की बात समझता है। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है। अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया। हिंदुस्तान आपका जो मुखालिफ है उसके आगे आप सजदे कर रहे हैं, उनका एसेट आप लगाना चाहते हैं, वजीर आजम ला के लगाना चाहते हैं, वहां पे आपने हमें सारी उम्र गजवाए हिंद बढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब कर दिया। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। आप मुझे ये बताएं अजय बंगा मजबूरी नहीं उनकी? मेरे देखे यहां पे देखे ना जरा, मैं जिस तरह मैं कह रहा हूं आपके दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के और दूसरी साइड पे तो लाने हैं। दूसरी साइड पे देख कैमला हैरिस को देखें आप, और कई है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। सीईओ देख लें आप, गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, देखें तो सही ना, लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे ये उनके पाओ में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, ये मैं बता रहा हूं आपको। हाँ तो दूसरी मैं बात कर रहा था जब व्हेन आई वाज कंपेयरिंग फ्रांस एंड इंडिया, जो उन्होंने पोजीशन अपनी इस वक्त अडॉप्ट कर रखी है जबरदस्त, जिसको कहते हैं मिडल पावर्स, कि दोनों मिडल पावर्स हैं। जिस तरह यूके अमेरिका की कॉलोनी समझा जाता है, हर जगह जाना होता है ना, पहले इसको कहते हैं जा तू पहले दो पटाखे मार, फिर कभी कहते हैं कैनेडा तू जाओ पटाखे दो मार लो, मार देंगे जाके। फ्रांस इस तरह नहीं करता। कोल्ड वॉर में भी वो अपने सेपरेट डिस्टेंस पे रहे हैं और आज भी अपने डिस्टेंस पे हैं। इसी तरह भारत भी डिस्टेंस पे रह रहा है। मेरे ख्याल में इसे स्ट्रॉन्ग इस बेटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं ना। आप तो चल रहे हैं आईएमएफ के पैसों पे। आपका टारगेट तो टोरंटो के अंदर घर लेना है ना, उनका टारगेट ये नहीं है। आपका तो टारगेट ये है कि दुबई में एक अच्छा घर दे दिया जाए आपको, तो आप कौम के गुर्दे लिख देते हैं। उनका टारगेट नहीं है ये। आपको लेगेसी का कोई पता नहीं, आपको लेगेसी के स्पेलिंग नहीं आते, उनको लेगेसी के स्पेलिंग आते हैं। उनको पता है वेयर वी हैव टू टेक द इंडिया टू नेक्स्ट लेवल। यूपीआई, जब आप यूपीआई से कोई चीज लेकर देते हैं किसी फ्रेंच किसी भी मुल्क के सदर को और साथ आप कहते हैं अपने मुल्क के अपने सिस्टम के साथ इसको जोड़ो, आप सोच सकते हैं आप ये बात करें किसी से। इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस एम्बिशंस एयरबस एंड द टाटा ग्रुप हैव जॉइंड फोर्सेस टू मैन्युफैक्चर हेलीकॉप्टर्स इन द कंट्री। तो
बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे, और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे, तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर H-130 हेलीकॉप्टर जो के VIP ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज, और के एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। और उसमें एंड क्रिएट्स ए वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कुड पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन एविएशन सेक्टर। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ यही वाली मेगा डील तो है ये वाली के जिसके ऊपर ही बात की जाए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ, सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रॉन के विजिट के दौरान जो हमने आपको राफेल और न्यूक्लियर प्लांट्स की डील्स के बारे में और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं ये बताया था कि उनकी भी बातचीत चल रही है, वो भी ऑन कार्ड्स हैं। इस रिंग मेगा डील के अलावा भी बहुत से अनाउंसमेंट्स सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाई 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा, वहां पर उनको दाखले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी। और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे पर तशरीफ लाए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, और बहुत ही ज्यादा वो खुश नजर आए और इंडिया को थैंक यू भी बोला है। उन्होंने कहा है थैंक्स टू इंडिया, और सिर्फ थैंक्स नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऑनर है। प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने कहा कि उनके लिए ये ऑनर है कि उनको इंडिया के रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया, तो बड़ी उन्होंने तारीफें की, बड़ा शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला इंडिया को, और साथ ही कहा कि इट्स एन ऑनर फॉर हिम कि वो वहां पर रिपब्लिक डे पर तशरीफ लेकर गए और चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। तो देखिए, जो दुनिया के अब बड़े से बड़ा लीडर है वो इंडिया के किसी इवेंट पर आना अपने लिए ऑनर की बात समझता है। ये देखिए आप, उसके लिए बड़े ऑनर की बात है कि उसको बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट, और वो कौन सा लीडर है कि जो नहीं जाना चाहता, और वो कौन सी कंपनी है। अब टाटा तो इंडिया की कमाल की कंपनी है, टाटा ग्रुप जो है उसकी अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो वो तो अमेजिंग अमेजिंग हिस्ट्री उसकी, जितनी उनकी स्ट्रगल, उनका जो तरीक़ाकार है और जैसे उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया, यानी टाटा वो कंपनी है कि जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा उसने काम किया है, और बहुत चैरिटी भी वो करते हैं और बहुत बड़े बड़े उन्होंने एग्रीमेंट्स भी किए हैं। लेकिन टाटा ग्रुप और एयरबस का ये जो अब मुआहिदा सामने आया है ये तो इंडिया को बदल के रख दे।